हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे। आईपीएस आरआरबी पीओ का मेंस का रिजल्ट कब आएगा और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें या ना करें? या फिर आईपीएस पीओ प्री के लिए भाई मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, तो इसके लिए क्या करें? अभी 4 से 5 दिन रह गया है एग्जाम को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो जिन लोगों का आईपीएस पीओ प्री में मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, ठीक है, और जिन लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले आईपीएस पीओ प्री के जो लो स्कोरिंग के लिए, ठीक है। देखो एक चीज़ है, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ एक मॉक टेस्ट शेयर किया था, मेरा भी स्कोर बहुत कम आया था, ठीक है। तो एक चीज़ क्या जानते हो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, जिसकी मैंने एक मॉक टेस्ट दे दिया, क्योंकि बहुत साल से मैंने, मतलब एक साल से करीबन मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था या फिर प्रिपरेशन नहीं किया था, तो जब मॉक टेस्ट मैंने दिया तो मुझे पता चल गया कि भाई मुझे क्या करना है। तो फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ मैं क्विजेस कर रहा हूँ। क्विजेस कहाँ से? आप आर्डर से कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक से कर सकते हो, हॉलीवुड से कर सकते हो, जितने भी सारे फ्री क्विजेस है आपके पास आप सर्च करके कर सकते हो। या फिर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको वो रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे इस यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर ये मुझे करने से मेरा जो है लाइनअप हो जाएगा। ऑब्वियसली 7 से 8 दिन में पूरी की तरह तो रिकवर नहीं हो सकता, बट फिर भी एक एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी हो सकते हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद ना आप कितना रियलाइज करते हो अपने आप को, आप अपने जो वीक पॉइंट है या फिर जो अपना खुद के एनालिसिस है, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस आप कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का अभी प्री में स्कोर कम आ रहा है, एक चीज़ आपको बताऊँगा, मॉक टेस्ट छोड़ के ना आप एक काम करो, जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोग या फिर स्लो हो रहे हो या फिर उसी में आप अटक रहे हो एग्ज़ाम देने के टाइम, तो आप उसको इम्प्रूव करो। कैसे? मॉक टेस्ट ना दे के आप सेक्शनल दो या फिर क्विजेस दो, जितने चाहो, मतलब दिन में 10 से 12 एक एक टॉपिक का, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग, एक एक टॉपिक का आप 10 से 12 क्विजेस दो, इससे ना आपको इतना इम्प्रूव होगा, इतना, मतलब ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है भाई, ये मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। आप ये करो, 100% आपका जो है ना इम्प्रूव होगा, आप लोगों का अटेम्प्ट या फिर आप लोगों का एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगा, आप आराम से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, सब कुछ इम्प्रूव होगा, ठीक है। ये रहा आईपीएस पीओ प्री के लिए, बाकी 3 से 4 से 5 दिन है, ये ट्राई करो, ऑब्वियसली होगा। लास्ट मतलब एट द एंड ऑफ द डे इवनिंग को या फिर रात को एक मॉक टेस्ट लगा देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आरआरबी पीओ मेंस के रिजल्ट के बारे में। देखो मेंस के रिजल्ट की अगर बात करें तो फिर इसी हफ्ता मतलब वीकेंड तक आपको जो है मेंस का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे हो भी सकता है कि आप आईपीएस पीओ प्री के दिन, प्री से पहले तो ऑब्वियसली मिलेगा, या फिर प्री के दिन भी आपको मिलेगा, जैसे कि आईपीएस क्लर्क देने गए थे और आईपीएस पीओ का एडमिट कार्ड देख के गए थे, ठीक है, उसी की तरह देखने को मिलेगा। जो लोग सोच रहे कि सर कि हाँ भाई हम लोग का जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें या ना करें, या फिर देखो एक चीज़ बताऊँगा, आप अगर एग्ज़ाम में, देखो एग्ज़ाम जब हम देते हैं ना, हमको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हाँ भाई ये जो एग्ज़ाम है मैं निकाल दूंगा, कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अभी के जो सिनेरियो में ना कट ऑफ कोई भी अच्छे से अच्छे आज बिना ये कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो फिर आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन का बताओ कि आपको क्या कैसा लग रहा है, आप जब एग्ज़ाम दे के आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ मुझे मेरा हो ही जाएगा, तो फिर भाई 100% आप अभी से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो। देखिए इंटरव्यू, जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एक चीज़ बताऊंगा आपको, ये कि बड़ी बात नहीं कि आपको दिन देना पड़ेगा पूरा, भाई डेली मैं आपको बताऊंगा 1 से 2 घंटा दो इंटरव्यू के लिए काफ़ी है। बाकी आप आईपीएस पीओ एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। 1 से 2 घंटा रात को हो या फिर कभी भी किसी टाइम, देखो आपको बैंकिंग ऑनर्स पढ़ रहे हो स्टार्टिंग का, तो फिर आपको वही पढ़ना है थोड़ा विविडली, ये आपके मेंस के लिए भी काम में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ प्रिपरेशन है जो कि आप इंटरव्यू के लिए, जैसे कि क्वेश्चंस कुछ है, अगर आप चाहो तो अगर कमेंट करते हो आप लोग जानना चाहते हो फिर क्या कैसे प्रिपरेशन करें या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ सकता है, तो फिर मैं, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जो कि रेगुलराइज पूछा जाता है, तो मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूँगा विथ आंसर। बाकी आरआरबी है,
आप रीजनल लैंग्वेज भी दे सकते हो, मतलब इंग्लिश ऐसे नहीं कि आप इंग्लिश ही देना होगा होगा, आप अपने रीजनल लैंग्वेज भी मतलब यूज कर सकते हो विथ परमिशन, ठीक है। तो डोंट वरी, पढ़ाई अच्छे से करो, आईपीएस पीओ के लिए भी प्रिपरेशन करो, एसबीआई क्लर्क के लिए भी करो, एसबीआई पीओ के लिए भी करो, उसके साथ साथ आप इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, ठीक है। डेली 1 से 2 घंटा काफ़ी है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो बस आपके साथ यही शेयर करना था, बहुत ही कमेंट आ रहा था मतलब इंटरव्यू के लिए और आईपीएस पीओ के लो स्कोरिंग के लिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी कुछ और डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, मेरे साथ जुड़ सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम का आईडी है लिंक में, आज जाके वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो तकलीफ बस पढ़ते रहो, वजह से टेक केयर, टाटा बाय बाय।